Hello friends, क्या पदार्थ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मुमताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं राब, ये बाजरे का आटा गुड़ और घी से बनती है। इसे हम जब सर्दी होती है तब पीते हैं, तब डिलीवरी के बाद माँ को पिलाते हैं। राब बनाने के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम बाजरे का आटा लिया है, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम प्योर घी, थोड़ा सा सूखा नारियल है ये ऊपर से डालेंगे और थोड़ा बादाम पिस्ते का पाउडर। राब बनाने के लिए हम घी गरम करते हैं। अब इसमें हम बाजरे का आटा डाल लेते हैं और इसे लगातार चलाते रहेंगे तेज आंच पर। ग्राम गुड़ को आधा लीटर पानी में मैंने उबाल कर रखा है रेडी। ये 2 से 3 मिनट आटा हम ब्राउन करते हैं, ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट इसके तेज आंच पर हमने लाइट ब्राउन करना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है इसका। अब हम इसमें जो हमने गर्म करके रखा है पानी वो डाल लेते हैं और साथ में हिलाते ही रहेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तेज आंच पर ही हिलाते रहेंगे। राब बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये अब हम सर्व कर सकते हैं। ऊपर से सूखा खोपरा, एक चम्मच पिसा हुआ बादाम पिस्ता पाउडर, और अगर आप सूंठ का टेस्ट पसंद करते हैं तो ऊपर से सूंठ भी डाल सकते हैं आधा चम्मच। उम्मीद है मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।